हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रैक मार्किंग पे, फोर्थ वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लीज़ एक बार उन्हें जाके ज़रूर देख लें ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और जो भी हम आगे वीडियो बनाएंगे आपको अच्छी तरह से समझा सकें। प्लीज़ दोस्तों, उन्हें जाके एक बार ज़रूर देख लें। चलिए आगे शुरू करते हैं। और आज हम दोस्तों जानेंगे कि अगर हमारे पास एक एरिया है तो हम उस पर एक ट्रैक है कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास एक फील्ड में जाकर हम एक ट्रैक कैसे ड्रॉ करते हैं, दोस्तों हम पूरा जीरो लेवल से ये शुरू करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक एरिया है और इस पर हमने अभी ट्रैक बनाना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डायगोनल बीच में से डायगोनल डिवाइड कर देंगे, इस साइड को और इस साइड को, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं ए, इसे बी, सी और डी, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए जो जहाँ से लेकर जहाँ तक ए तक हमारे पास है 90 मीटर, ठीक है। और जे जहाँ से लेकर सेंटर से लेकर डी हमारे पास है 88 मीटर, ठीक है। और सी मान लेते हैं 85 मीटर और बी मान लेते हैं 89 मीटर, ठीक है। मान लीजिए अगर हम जे 19 है 90, तो मान लीजिए अगर हम 90 मीटर मान लीजिए जहाँ से लेके अगर हम 90 मीटर जहाँ तक जो मेज़र टेप है उसे मेज़र करते हैं, तो जब हम जहाँ तक तो हमने मेज़र कर लिया, उसके बाद जब हम दूसरी साइड 90 मीटर जहाँ से जहाँ मेज़र करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों इधर हमारे साइड इस साइड हम देखेंगे तो हमारे पास जो एरिया वो कम है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास 85 जो अगर एक जो हमारी साइड जो कम सबसे कम है, हमने 85 जहाँ तक मार कर लेना है। और सेम सीट अगर डी साइड हम आ जाएं जहाँ से लेकर सेंटर तक, हमने भी 85 कहाँ आएगा, मान लीजिए जहाँ तक आ गया, ठीक है, 85 जहाँ तक आ गया। और जहाँ से सेंटर से हमने बी भी 85 ले लेना है, ठीक है। और ऐसे बी हमने 85 ले लेना है, ठीक है। हमने 85 चारों दिशा की ओर ले ले। मैंने दोस्तों 85 ऐसे आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए जो ऐसा लिया कि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए, ताकि कितना आपने बद से ज़्यादा आपने एरिया लेने की कवर करने की कोशिश करनी है। बद ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके पास चारों दिशा से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप ले सके ट्रैक बनाते समय, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, ए और डी को ऐसे आपस में मिला देना है, ए और डी को मिला दिया, इस साइड हमने बी और सी को मिला देना है। दोस्तों थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो हो रहा है मेरे पास, स्केल से मिलाने होगा तो अच्छा होगा, आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, आप समझ ले। अगर आपको अच्छी तरह समझाएगा तो आप किसी भी एरिया में जाके अच्छी तरह से जो ट्रैक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, हमने ए और डी को मिला दिया और बी और सी को मिला दिया। अब हमने क्या करना है, ए और डी में जितनी भी दूरी है, ए से लेकर डी तक जितनी भी दूरी है, उसका हमने बीच वाला हाफ कर देना है, उसमें उसको हाफ कर देंगे। मान लीजिए इधर हाफ हो गया उसका, इस साइड बी और सी का भी हमने हाफ कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इस जहाँ से सेंटर को मिला देना है और सेंटर को जो ये हाफ किया है हमने इसे मिला देना है, ठीक है दोस्तों। अब हाँ, जो हमारे पास सेंटर की लाइन हमारे पास अभी आ गई है दोस्तों। अब हमने मान लीजिए हम जो पीछे जो 3 वीडियो हमने कवर बनाई है उसमें हमने जो स्टेट रखी है वो 90 मीटर के हिसाब से ही रखी है। तो जो हम आज भी जो ट्रैक बनाने जा रहे हैं उसमें भी हम 90 मीटर ही स्टेट रख के चलेंगे। तो अब हमने दोस्तों 90 मीटर इसकी स्टेट जो ड्रॉ करनी है, तो हमें सेंटर पॉइंट से जहाँ इसका सेंटर है ना, सेंटर से 45 मीटर इस साइड को
और 45 मीटर ही इस साइड को, जहाँ तक आ गया लगभग मेरे को लगता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाना चाहिए, समझने के लिए बस समझ ले। ठीक है, और टोटल हम देखते हैं तो हमारे पास 90 आ गया, 45 जहाँ से, 45 जहाँ से, टोटल हो गया 90। ठीक है, सो अब हम दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपने 10th तक सभी ने मैथ पढ़ा होगा तो आपने उसमें ज़रूर इसे सीखा होगा। चलिए आइए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे होती है, तीन चार पाँच का फार्मूला दोस्तों। जैसे तीन हो गया, जहाँ तक हमने चाप लगाई 4 मीटर की, और जहाँ तक हमने चाप लगा ली 5 मीटर की, इस साइड जहाँ तक, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, सीधी रेखा बनाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अभी हम ट्रैक पे यूज़ करेंगे तो हम इसका 3, 4, 5 का फार्मूला नहीं, हम इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देंगे, तो हम इसे यूज़ करेंगे 30, 40, 50 का फार्मूला। चलिए आइए इसे अरेंज कर देते हैं। दोस्तों हमने जहाँ से जहाँ तक, जो 45 मीटर है ना, जहाँ से जहाँ तक हमने इसे काट देना है 30। ठीक है, अब जहाँ से हमने इसे चाप लगानी है 40 मीटर की। ठीक है, और इस साइड से हमने चाप लगानी है 50 मीटर खोल के, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका जो है कि जो हमारे पास जो सीधी लाइन हो जाएगी, और सेम इस साइड हमने दोस्तों जहाँ से लेके जहाँ तक हमने पहले 30 मीटर खोल लेना है, उसके बाद हमने इस साइड से 40 मीटर खोल के ऐसे चाप लगा लेनी है, और इस साइड से हमें फिर से एक बारी जो टेप मेजर टेप रखना है, इस साइड को 50 मीटर खोलकर इधर चाप लगा लेनी है। ठीक है, और इस अब हमारे पास जो चाप लगी है तो हमने क्या करना है, इसे मिलान कर देना है आपस में ऐसे। ठीक है, और सेम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला जो यूज़ करना है इस साइड भी, जहाँ से पहले हमने 30 मीटर काट लेना है, और जहाँ से हमने 40 मीटर की चाप लगा लेनी है, और इस साइड हमने 50 मीटर की चाप लगा लेनी है, और इसे आपस में मिला देना है। दोस्तों थोड़ा इधर मार्कर से ना वो लाइन नहीं सीधी हो रही, लेकिन आप जब भी फील्ड में इसे यूज़ करोगे तो आपकी जो लाइन बहुत सीधी होएगी, वो सीधी होनी भी चाहिए आपको, अगर सीधी लाइन पाइथागोरस थ्योरम से आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो ट्रैक वो अच्छा बहुत सीधी ही बनेगी उसकी लाइन। तो हमने सेम इस तरह इस साइड भी हमने 30 मीटर खोलना है, इस साइड 40 मीटर, और इस साइड हमने 50 मीटर खोलना, और इसे आपस में मिला देना ऐसे। ठीक है, अब जो हमें जो लाइन नहीं चाहिए हम उसे अरेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। दोस्तों अब हमने जो हमारे को जो लाइन नहीं अभी ज़रूरत है उसको हम अरेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझा सके। जहाँ हम ऐसे करते हैं, रेड से बनाते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन हमने अभी ड्रॉ कर ली है, हमारे पास जो स्टेट आ गई जहाँ से लग के जहाँ से जहाँ तक 90। ठीक है, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जिससे हमारे को सीधी लाइंस ड्रॉ कर ली है हमने। अब दोस्तों हमने अब इसके ऊपर हमने कर्व जो ड्रॉ करनी है, और कर्व का हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास दोस्तों एक था RDR रेडियस और एक था MDR रेडियस। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो में 3 बना चुका, अगर आप उसे देख ले तो आपको क्लियर होगा ये क्या है, RDR क्या है, MDR क्या है। दोस्तों हमने जो RDR है इसका जो रेडियंस है वो यूज़ नहीं करना, और हमने जो MDR रेडियस हमारे पास आया था हमें उसे यूज़ करना, वो 34.7171 था। तो हमने क्या करना है, जहाँ से लेकर जहाँ तक हमने क्या करना है, 34.71 अपना जो मेजर टैप है उसे खोल लेना है, और इस साइड हमने कर्व ऐसे ड्रॉ कर लेनी है।
ठीक है। सेम इस साइड हमने क्या करना है, जो अपना 34.71 हमने आपको दिखाई दे रहा होगा ना, मेरे को लगता है हाँ, जहाँ से लेके जहाँ तक 34.71 हमने खोल लेना है अपना मेजर टेप को, तो हमने इसे ऐसे कर्व ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, हमारे पास अभी जो कर्व का रेस्ट बॉर्डर है वो हमने अभी इसे डॉटर नहीं, इसे अभी हम बना ही देते हैं कर्व अच्छी तरह से। ठीक है, इस साइड भी हम ठीक है दोस्तों। अब हमने जो फर्स्ट कर्व है, रेज्ड बॉर्डर है, वो हमने ड्रॉ कर दिया, तो हम इसे भी स्ट्रेट को भी आपस में ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, इस साइड को भी मिला देते हैं। तो दोस्तों हमने जो जो बॉर्डर है रेज्ड बॉर्डर, उसे हमने बना लिया है, तो हमें जो अब जो जो लाइनें जो नहीं चाहिए हम उसे अरेंज कर देते हैं, ना कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि हम इसके ऊपर ही अभी बनाते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह वो क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर कचरा मचरा ज़्यादा हो जाएगा इधर, तो ये इसे अरेंज कर देते हैं। अब दोस्तों हमने जहाँ तक जो ट्रैक मार्क कर लिया है, अब हमने दोस्तों जो इनर साइड है ट्रैक की रेस्ड बॉर्डर, हमने उसे अभी तक ड्रॉ कर लिया है, सीख लिया है। अब हम आगे जो बाहरली तरफ रेस्ड बॉर्डर होता है ट्रैक के, अब उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों जहाँ से लेकर जहाँ तक हमारे पास जो रेडियस है वो है 34.71, यानी कि 34.71। ठीक है, तो आगे हमने क्या करना है, आठ हमारे पास ट्रैक में आठ लेंस होती है ना, तो हमने इसे आठ लेंस इसमें इंक्लूड कर देनी है। वन लेंस होती है 1.22 की इंटू आठ, वो हो गया 9.76। तो 76 हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, 76 44.47 दोस्तों। इतना मीटर हम जहाँ से लेके जहाँ तक हम इसको मेजर टेप को खोल लेंगे 44.47, और हम इतना जो डिस्टेंस लेके मेजर टेप का जहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई है, थोड़ा इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए, थोड़ा मेरे साथ सहयोग करें अगर टेढ़ी मेढ़ी अगर हो रही है तो। ठीक है दोस्तों, सेम हमने क्या करना है, जहाँ पर जो अपना मेजर टेप है उसका जो पॉइंट इधर रख के दूसरी तरह हमने मेजर कर लेना है कितना 44.47, और इस साइड को हमने भी जो बाहरी कर्व है ट्रैक की रेज्ड बॉर्डर वाली वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जहाँ तक आ गई, तो इसके बाद हमने क्या करना, जो स्टेट है उसे ऐसे आपस में मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो ट्रैक है वो तैयार है, उसकी जो अब जो क्या ना, जो बीच में जो हमारे पास ये है एक्स्ट्रा, इसे अरेंज कर देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसी तरह जहाँ तो फिनिश लाइन होती है, इससे ये 90 की स्टेट है, तो हमारे पास जो 100 होगा हम इससे पीछे करके ऐसे इधर से हम 100 मीटर जो बना सकते हैं। अरेंज्ड बॉर्डर ऐसे ट्रैक में, अब इसे बीच में हमने जो लेंस ड्रॉ करनी है, आठ लेंस ड्रॉ करनी है, वो कैसे करते हैं चलिए उसे अभी ध्यान से देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने जहाँ तक ट्रैक बनाना सीख लिया था, इसके आगे हम ट्रैक में लेंस कैसे ड्रॉ करते हैं आइए उसे देखते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी ट्रैक में लेंस ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका जो रेडियस का सेंटर बिंदु है उसको हम खोजते हैं, उसे ढूंढते हैं। जब भी हम किसी संस्था पे एज ए ऑफिशियल या ट्रैक मार्किंग करने जाते हैं, सबसे पहले हम उसका रेडियस कहाँ है कर्व का उसे ढूंढते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास मेजर टेप होता है, ये मैं माता श्री का लेके आया हूँ मशीन से। तो हम क्या करते हैं, एक मेजर टेप से एक नेल लेते हैं, अभी मेरे पास ये बाज है। नेल लेने के बाद हम क्या करते हैं, मेजर टेप को उसका जो छल्ला होता है उसमें हम पसा देते हैं, और नेल को हम गाड़ देते हैं, नेल या जैवलिंग
ज़्यादातर तो हम जैवलिन लेते हैं क्योंकि दूर से दिखाई देती है। अगर नहीं तो हम जहाँ पर एक पर्सन को बिठा देते हैं रेडियस के पास और नेल को उसमें नेल को रेडियस में हम गाड़ देते हैं, और हम जो हमारे को मेजर टेप होते हैं होता है हम उससे खोल लेते हैं कर्व, जो बाहरली कर्व है उससे बाहर की तरफ। तो इस साइड हम उसे खोल के मेजर टेप को कितना खोल लेते हैं, कितना खोलना है हमने 44.47 मीटर, 44.47 मीटर, इतना हम उसको ऐसे मेजर टेप को खोल लेते हैं। ठीक है, तो खोलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो लेंस होती है वो होती है 1.22 की। जैसे कि हम मेजर टेप ऐसे पकड़ते हैं, मान लीजिए इस साइड हम अगर उसको ढूंढ रहे हैं मीटर को, तो मान लीजिए जहाँ तक अगर 1.22 हो जाएगा, मान लीजिए जहाँ तक इतना जो डिस्टेंस है 1.22 है, अगर हम इसको हम उल्टे साइड करके देखते हैं तो इसके हम देखते हैं इधर की साइड वो हो जाएगा 4 फुट दोस्तों। हम अगर मेजर टेप को इस साइड देखते हैं वो होगा 1.22, अगर उल्टी साइड हम देखते हैं वो हो जाएगा 4 फुट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी हम मेजर टेप को, अब इसे बाज को रख देते हैं, मेजर टेप को जहाँ से खोलते हैं आप ट्रैक की मार्किंग करने के, लेंस में मार्किंग करने के लिए 4 पर्सन दोस्तों जो मेजर टेप है उसके पीछे खड़े कर देते हैं, जहाँ पर 4 पर्सन, इधर 2 ही आएंगे, 4 पर्सन हम मेजर टेप के पीछे खड़े कर देते हैं। उनके हाथ में हमने वाइट कलर का चूना पकड़ा देते हैं ताकि मान लीजिए जहाँ से हमने अगर मेजर करना शुरू किया है, जहाँ पर भी 1.22, जहाँ से लेकर जहाँ तक 1.22 आएगा, अंदर की साइड करते हैं ना, जहाँ तक 1.22 आएगा उस साइड हम ये जो पर्सन हमारे बच्चे खड़े रहेंगे वो वहाँ पे पेन ड्रॉप करते जाएंगे, थोड़ा सा चूना एक चुटकी पर लेकर वहाँ पर छोड़ते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे अगर बड़ा करके आपको शायद दिखाई दे रहा होगा मेरे को लगता, तो इस साइड इस तरह हम वहाँ पे चूना पिन ड्रॉप करते जाएंगे, और उसके बाद लगाने के बाद जो हमारा पर्सन होगा जो इस साइड जो मेजर टेप को पकड़े बैठा होगा वो इसे उठाएगा और कम से कम 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर ऐसे उठाएगा, 1.5 से 2 मीटर आगे बढ़ेगा और इसे खींचेगा अच्छी तरह से, इतना जोर से नहीं खींचेगा कि ये टूट ना जाए और इतना ढीला मत छोड़े कि जो मेजरमेंट है वो भी बिगड़ जाए। इसे 1.5 से 2 मीटर ऐसे उठाएगा, आगे बढ़ेगा 1.5 मीटर और फिर से थोड़ा खींच के सीधा करके रख देगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा रेडियस होता है उस पर हमने एक जैवलिंग जो मेजर टेप है उसके छल्ले में ऐसे फंसा कर रखी होती है, तो जो हमारा जो पर्सन होता है जो जे पर्सन जो बाल के जो बच्चा बाल की साइड ट्रैक पर बैठा होता है वो उसे ध्यान से अपने जो जैवलिंग उसे देखता है, वो जैवलिंग को देखते देखते जो अपना मेजर टेप है उसे सीधा करता है, तो सीधा करता है फिर जहाँ पर हो गया आगे, फिर ऐसे 2 मीटर पर उसे फिर से लगा देता है मेजर टेप को। फिर जो पर्सन आते हैं जो बच्चे आते हैं जहाँ से मान लीजिए 4 फुट 4 फुट 4 फुट 4 फुट पर फिर ऐसे पिन लगा देते हैं, उसके बाद फिर 2 मीटर के बाद फिर उसे उठाता है, फिर 2 मीटर के बाद इसे इधर रख देता है, फिर जो बच्चे आते हैं इधर फिर अपना जो पिन पॉइंट 4 फुट यानी कि 1.22 मीटर पर लगा देते हैं, इसी तरह सेम ऐसे फिर ऐसे 2-2 मीटर के बाद जो हमारा पर्सन है जो जे वाला पर्सन है जो जे वाला बच्चा है ऐसे उठाएगा ऐसे, उसमें 2 मीटर के बाद जाने के बाद फिर रख देगा, 2 मीटर जाने के बाद खींच कर अच्छी तरह से फिर रख देगा ऐसे सेम ऐसे इधर ऐसे कि जितनी भी है अपनी कर्व है उसे ऐसे मेजर टेप से मार्क करते जाएंगे, जो बच्चे होंगे इधर पॉइंट पॉइंट लगाते जाएंगे। ठीक है, पिन पॉइंट ऐसे लगाते जाएंगे, तो अभी रेड से लगाते हैं, उसके बाद क्या होगा जब पिन पॉइंट दोस्तों हमारे पूरे कर्व पे लग जाएंगे तो उसके पीछे पीछे कुछ और बच्चे खड़े होंगे, वो क्या करेंगे जो हमारे पिन पॉइंट है इसे आपस में ऐसे मिलाते जाएंगे, ऐसे पिन पॉइंट को आपस में मिलाते जाएंगे
मिलाने के बाद आप देखिए कि ये हमारा जो कर्व है वो तैयार हो जाएगी, लेंस हमारी इसमें बन जाएगी। ठीक है, तो सेम दोस्तों इसी तरह हमने इस तरफ भी जो दूसरी कर्व है इसका भी रेडियस निकालना है पहले, और रेडियस निकालने के बाद जो हमारे पास मेजर टेप है उसका जो छल्ला है, छल्ले को नेल्स या जेवलिन में फंसाते हुए इधर रखकर पहले हमने ऐसे इधर रख लेना है, और रखने के बाद जो हमारे बच्चे हैं सेम इधर चार चार फुट पे जो पिन पॉइंट लगाते जाएंगे, और लगाने के बाद इसे उठाएंगे। और हाँ दोस्तों एक ध्यान बात रखने वाली हो रहा है, जो हमारे बच्चे हैं होएंगे ना जो जो मेजर टेप है उसके पिछली साइड खड़े, यानी कि अगर हम इस साइड को मार्क करेंगे तो बच्चे इस साइड खड़े होंगे, तो जैसे जैसे मार्क करते जाएंगे वो भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मार्क करने के बाद फिर उठाएंगे, 2 मीटर आगे बढ़ेंगे, मार्क करेंगे फिर उठाएंगे, 2 मीटर आगे बढ़े, फिर मार्क करेंगे उठाएंगे, 2 मीटर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सेम इसी तरह यही जो प्रोसेस है इसे यूज़ करते हुए हम इस तरफ भी जो हम अपनी ट्रैक की जो लेंस है उसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरफ ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद जो हमारे स्टेट है उसे मेजर टेप या स्टील वायर या रस्सी के साथ जोर से इधर रस्सी लेकर और इस साइड को रस्सी लेकर पहली लेन को जो लाइन है उसे हम ऐसे आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरह जो हमारी लेंस है वो ट्रैक की बन जाएगी। सो इसी तरह हम पूरा ट्रैक जो ड्रॉ करते हैं। दोस्तों जो हमारे पास 90 मीटर की स्टेट है, तो जब हमने 100 मीटर स्प्रिंट लगानी है हम क्या करते हैं ट्रैक में 10 मीटर पीछे चले जाते हैं, जिससे कि हमें जो 100 मीटर स्पेस वाला हमारे को स्प्रिंट लगाने के लिए अवेलेबल हो जाता है। हमें इसे डॉट डॉट पीछे, कर्व के डॉट डॉट पीछे हम 10 मीटर पीछे जाते हैं तो हमें ये 100 मीटर स्प्रिंट लगाने के लिए जो एरिया वो मिल जाता है। दोस्तों जी सभी लेंस जो होती है, लाइंस होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, और लेंस 1.22 मीटर की होती है, या हम इसे 4 फुट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम ट्रैक की मार्किंग करते हैं, जो लेंस की मार्किंग करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टैगर को देखेंगे, स्टैगर कैसे लगाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो कुछ अच्छी लगी, कोई नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, और लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।